गाइज, आपने कई फिल्में और कहानियां तो देखी होगी जिसमें एक बच्चा गांव से भागकर शहर जाता है और कुछ सालों बाद वह अपने गांव एक अमीर व्यक्ति बनकर आता है और अपने माँ बाप से मिलकर खुशियां बांटता है। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में संभव है? नहीं ना, लेकिन ये बात सच हुई है यूपी के हरदोई में, जहाँ रिंकू नाम का लड़का 12 साल की उम्र में बाप की डांट खाने के बाद गांव से भागकर ट्रेन से लुधियाना चला जाता है। घर वाले उसे गांव और खेतों में ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता है और घर वालों को रिंकू के मिलने की आस टूट जाती है। रिंकू लुधियाना जाकर एक सरदार जी से मिलता है जिनका ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जहां रिंकू उनका ट्रांसपोर्ट के काम में हाथ बटाने का काम करता है, जहां जाकर वह ट्रकों का मालिक भी बन जाता है। रिंकू के एक ट्रक के एक्सीडेंट हो जाने से वह धनवा जा रहा होता है, जहां वह हरदोई होकर गुजर रहा होता है। हरदोई को देखकर रिंकू अपने माँ बाप से मिलने को इच्छुक हो जाता है, जिसके बाद रिंकू को कार के साथ देखकर माँ बाप की खुशी के आंसू रुक नहीं पाते हैं। ये सच्ची घटना घटी है यूपी के हरदोई में। आपकी इस सच्ची फिल्मी घटना पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।